A, B and C can finish working 12, 15 and 20 days respectively. फर्स्ट डे ए बी काम करते हैं, सेकेंड डे बी सी काम करते हैं, थर्ड डे सी ए काम करते हैं, फिर वापस से यही चालू होता है फोर्थ डे पे. इफ दे वर्क इन सच अ मैनर देन फाइंड हाउ मैनी डेज वर्क विल बी कम्प्लीटेड. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ए बी और सी कितने दिन में काम कर लेते हैं? 12, 15 और 20 दिन में, है ना. एल सी एम ले लो, 60, 12 5 जा, 15 4 जा और 23 जा. ठीक है, अब क्या बोला गया, पहले दिन कौन कौन काम करता है? ए प्लस बी. एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी ए और बी की? 5 प्लस 4 9. ठीक है, बी प्लस सी जो है सेकंड डे काम करते हैं, बी प्लस सी, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 7. ठीक है, और फिर सी प्लस ए काम करते हैं, है ना. सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 8. तीन दिन का काम हो गया ये. तो तीन दिन का काम क्या हुआ? 8 7 15 15 5 20 और 4 24. एक दिन में कितना काम हो रहा? 24 काम हो रहा. तीन दिन में 24 काम हो रहा है ना. थ्री डेज में 24 काम हो रहा है. टोटल वर्क 60 है. अगर थ्री डेज में 24 हो रहा तो छः दिन में कितना होगा? अगर तीन में 24 हो रहा तो छः में कितना होगा? इंटू टू कर देंगे तो 48 होगा, है ना. फिर सातवें दिन वापस ए प्लस बी काम करेंगे, है ना. सातवें दिन ए प्लस बी काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 57. 48 प्लस 9 57. सातवें दिन 57. फिर आठवें, अब तीन बचा, अब तीन हो जाएगा तो वर्क पूरा हो जाएगा, 60 वर्क है ना. तो फिर अब किसकी टर्न है? बी प्लस सी की, जिसकी एफिशिएंसी 7 है. तो 57 प्लस, एक दिन में बी प्लस सी कितना काम करता है? एक दिन है ये एफिशिएंसी इनकी 7 की है, है ना. तो 7 की एफिशिएंसी है तो 7 वर्क वो करते हैं एक दिन में. ठीक है, तो अब कितने दिन अपन को, कितना वर्क अपन को चाहिए यहाँ पे? तीन वर्क और चाहिए टोटल वर्क करने के लिए. तो तीन वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? तीन वर्क की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 3 × करेंगे और ये 7 चला जाएगा. 3/7 जो है डे, तीन वर्क की वैल्यू हो जाएगी. बस 57 प्लस 3/7, 7 प्लस 3/7, 7 डे है ना. ये सातवें दिन तक इतना काम हुआ था और इतना और काम करेंगे तब पूरा काम हो जाएगा. तो 7/7 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी. इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें.